दोस्तों जय महाकाली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देवी काली, दोस्तों तंत्र की हर एक क्रिया देवी काली से ही शुरू होती है और यहीं पर अंत होता है। मतलब जो भी तंत्र की क्रियाएं होती हैं उनका हर प्रकार से सफलता का कार्य देवी काली से ही लिया जाता है और हर क्रिया का तोड़ भी देवी काली से ही किया जाता है। आज मैं आपको देवी काली का एक ऐसा चमत्कारी मंत्र बताऊंगा, एक ऐसी गुप्त साधना के बारे में बताऊंगा जो कि शावर एक रात्रि की साधना कहलाती है। इस साधना को यदि आप लोग संपूर्ण कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी कोई कठिनाई या कोई बाधा नहीं आती है, हर प्रकार की बाधा से मुक्ति होती है और जीवन अगर ढैया की तरह ढल रहा है, जीवन में हर जगह आपको निराशा मिल रही है, तो केवल इस साधना को आप लोग करके देखेगा कि कितना अच्छा चमत्कार आप लोगों को अपने जीवन में देखने मिलता है। दोस्तों देवी काली एक बहुत बड़ा रूप होती है, एक बहुत ही बड़ा अंश होता है उस देवी का कि जिनसे तंत्र की रचना तक कर डाली। दोस्तों जी, तंत्र की जब रचना पुराने समय में ऋषि मुनियों और बड़े तांत्रिकों ने की थी, तब देवी काली को ही सबसे बड़ी क्रियाल रूप के नाम से जाना जाता था और आज तक सभी जगह पर पूरे भारत में देवी काली का ही तंत्र सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जी ने भी तंत्र की रचना करते समय देवी काली के ही सबसे ज़्यादा मंत्र अर्जित किए और उन मंत्रों के द्वारा ही कई प्रकार की विशेष सिद्धियां और देवी का एक विकट रूप प्राप्त किया। दोस्तों देवी काली की यदि सिद्धि जातक कर लेता है और सफल हो जाता है तो देवी काली ये कभी नहीं देखती कि उनकी इन क्रियाओं से आप किसी का नुकसान कर रहे हैं या किसी का फायदा। वो बस देवी काली अपने साधक की हो जाती है, अपने साधक का हर कार्य पूर्ण करने लगती है। देवी खप्पर बाली, देवी काली एक ऐसा रूप होता है जो अपने साधक का साथ कभी नहीं छोड़ता। एक बार इनकी सिद्धि को पूरा करके देखेगा कि जीवन में हर प्रकार के जो भी भौतिक सुख होते हैं आप लोगों को मिलने लगते हैं और इतनी गहरी प्रोटेक्शन आप लोगों को मिलती है, इतनी बड़ी सुरक्षा आपको देवी दक्षिण काली या देवी काली की मिलती है कि जीवन कभी भी नीच की तरफ नहीं जाता है। जीवन में सफलता आने लगती है, शत्रु या कोई भी व्यक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है अगर देवी काली का कवच आप लोगों ने लगाया है। दोस्तों हम शुरू करते हैं कि किस तरह से, किस विधि से आपको एक रात्रि की साधना करना है, इस एक रात्रि की साधना में आप लोग सफल होके जीवन में क्या क्या हासिल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि किन प्रयोगों से इस क्रिया को पूरा करना है और किस तरह की सिद्धि से आप लोगों को इस साधना को संपूर्ण करना है। दोस्तों देवी काली की सिद्धि के लिए कुछ वस्तुओं की ही आपको आवश्यकता पड़ेगी। इस साधना को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक सिंदूर लेना है जो कि हनुमान जी को चढ़ाने का सिंदूर होता है। बहुत सारे लोग गलती से सिंदूर की जगह रोली का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुमकुम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जिस सिंदूर को हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, जिसे हनुमान जी पर लेप लगाया जाता है उसको सिंदूर कहा जाता है। उस सिंदूर को ही आपको इस क्रिया में प्रयोग लाना है। लगभग 20 ग्राम की मात्रा में आपको शुद्ध और असली मेंसिल से बना हुआ सिंदूर लेना है। इसमें गाय के घी का घृत आपको मिलाना है, साथ में कोई भी मोहिनी, चमेली या किसी भी प्रकार की तेज खुशबू का इत्र आप लोगों को इसमें मिला लेना है। दोस्तों साथ ही साथ आपको कच्चे केले का जो रस होता है वो भी आपको इसी मिश्रण में मिलाना है। इन सभी को मिश्रित कर आपको एक तरह का घोल बनाना है। किसी भी आपको कहीं पर भी जहां पर कोए विचरण करते हैं वहां से किसी भी कोए का एक जो पंख अगर आपको कहीं पड़ा मिल जाता है तो वो उठाकर ले आइए, वो कलम का कार्य करेगा, उसमें इतनी ताकत रहेगी कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। इस कलम से और इस शाही से आपको देवी काली का एक मंत्र कोरे कागज पर लिखना है। केवल ये क्रिया अमावस्या की रात्रि में ही करना है। जीवन में केवल एक बार ही इस सिद्धि को पूरा करना है, मतलब एक रात्रि में ही इसको पूरा करना है, अन्यथा दूसरे दिन या तीसरे दिन कभी नहीं करना।
फिर कभी भी इस मंत्र का उच्चारण आप लोगों को नहीं करना है। जो मंत्र आप कागज पर लिखेंगे, इसी मंत्र को यंत्र मानकर आपको हमेशा अपने जीवन में रखना है और विधिवत इसकी पूजा अर्चना आप लोगों को करना है। देखिएगा कि जीवन कितना उच्च कोटि की आप सुख भोगने के लिए तैयार हो जाता है। देवी काली की कितनी उच्च कोटि की आप लोगों को कृपा मिलती है, जिससे कि आपका जीवन संवर जाएगा। दोस्तों, चाहे धन हो, चाहे जीवन में कोई भी विकट परिस्थिति है, शत्रु परेशान कर रहा है, जीवन कंगाली से घिर गया है, जीवन दरिद्र होता जा रहा है, तो इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए इस मंत्र को और इस क्रिया को चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति तांत्रिक बनता है तो सबसे पहले इन क्रियाओं को ही पूरा करता है। छोटी छोटी क्रियाएं करके अपनी किस्मत चमकाता है। जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसको रास्ते मिलते जाते हैं तंत्र में आगे बढ़ने के लिए। एक कुशल तांत्रिक व्यक्ति बन जाता है, इन क्रियाओं को पूरा करते जाता है। मन में धैर्य रखिएगा, सही तरह से क्रिया करिएगा। जिस प्रकार से सिद्धि विधि आप लोगों को बताई है, उसी प्रकार से करिएगा तो जीवन में सफलता एक बार में ही आपको मिलेगी। दोस्तों, देवी काली की जो सिद्धियाँ होती हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि छोटी मोटी यदि आपसे कोई गलतियाँ हो जाए तो ये सिद्धि खंडित हो जाए। कभी ऐसा नहीं होता। अगर कोई छोटी मोटी आपसे गलती भी हो जाए तो भी आपकी सिद्धि संपूर्ण होगी और आप लोगों को सफलता मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक कोरे कागज पर कौए के पंख से जो मिश्रित आपने सिंदूर बनाया है, उससे एक या मंत्र आपको लिखना है। मंत्र बिल्कुल सही लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मंत्र लिखकर आप लोगों को बताऊंगा, उसी प्रकार से आपको लिखना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम काली का खड़क खप्पर लिए ठाड़ी, ज्योति तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त की प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महावली भैरव की दुहाई। दोस्तों, ये शावर मंत्र है। शावर मंत्र किस तरह से कार्य करते हैं मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। दोस्तों, जो भी ईष्ट होता है, मान के चलिए कि देवी काली हैं, देवी काली के जो बड़े साधक हैं उनमें भैरव जी, महावली जी का नाम सबसे पहले आता है, तो भैरव जी की दुहाई देकर ही इस मंत्र की सिद्धि देवी काली से ली जाती है। बदले में आपको उनको भोग अर्पित करना है, अच्छे पुष्प, तेज खुशबू के पुष्प और मिठाइयों से देवी काली का आपको भोग चढ़ाना है। किसी भी प्रकार का कोई हवन इसमें नहीं करना है। जब भी आपका कोई बड़ा कार्य पूर्ण होगा तो ही आपको किसी एकांत स्थान पर, चौराहे पर, किसी भी शमशान घाट के आसपास या किसी भी पुराने वृक्ष के नीचे देवी काली का जो मंत्र आपने सिद्धि किया है, उस मंत्र के नाम पर आपको देवी काली के लिए भोग वहां पर छोड़कर आ जाना है। आपके हर मनोवांछित कार्य पूर्ण होने लगेंगे। दोस्तों, आपको एक कोरे कागज पर इस मंत्र को, जो बताया गया मंत्र है, इस मंत्र को अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। इसको एक अच्छी थाली में रख लीजिएगा, इस कागज को किसी एकांत स्थान पर या घर में कोई ऐसे कक्ष में जहां पर आपको कोई किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, आपकी साधना कोई खंडित ना करे। काले हकीक की माला से केवल आपको 41,000 मंत्रों का जाप पूरा करना है। दोस्तों, मंत्र छोटा है, 41,000 मंत्र आसानी से पूरे आपके हो सकते हैं। यह क्रिया आपको केवल एक रात्रि में ही खत्म करना है। दोस्तों, ये क्रिया संपूर्ण होने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा। इस मंत्र को जीवन भर आप लोग संभाल के रखिएगा और इस मंत्र का फिर आपको कभी कोई उच्चारण नहीं करना है। देवी काली से जब भी किसी भी प्रकार का कहीं कोई आपका काम अटक जाता है, देवी काली से आप लोग इसकी विनती करिएगा कि आपका इस प्रकार का कार्य रुक गया है। देवी की सिद्धि क्योंकि आपको प्राप्त है तो आपके मुख से निकली गई वाणी कभी भी खाली नहीं जाएगी। देवी को बदले में जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो उनको भेंट आप लोग चढ़ाइएगा। भेंट में सफ़ेद मिठाइयाँ 5 तरह की आप लोग चढ़ा सकते हैं, जो कि अलग अलग कलर की भी हो सकती हैं। धूप, अगरबत्ती और तिल के तेल का दीपक नियमित रूप से देवी काली के नाम से आप लोगों को लगाना है। इस यंत्र को लाल कलर के कपड़े में बांधकर आप लोगों को रखना है। मंत्र जाप के समय केवल आपको तिल के तेल का चौमुखा दीपक ही लगाना है, साथ में सुगंधित आप लोगों को धूप अगरबत्ती लगाना है। दोस्तों, व्यवस्था ऐसी रखिएगा कि मंत्र जाप करने के बीच में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक आपको ना लगे। ध्यान रखिएगा, इस विधि को बहुत ही एकांत स्थान पर करें तो बहुत अच्छा है, ताकि किसी भी प्रकार का इस सिद्धि में खंडन ना आए। अगर खंडन आता है तो ये अपशगुन माना जाता है। ऐसे में सिद्धियां पूरी नहीं होती हैं
और आपको किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य का सामना भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्रियाएं जो होती हैं, ये जो तंत्र होता है, इनकी जो सिद्धियां होती हैं, ये विधि विधान से करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना है कि आप जिस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं उस काम को आप लोग अंजाम दे दें। कभी भी कोई भी सिद्धि की अगर आप लोग प्राप्ति करें, कोई भी सिद्धि पूरी करें, तो बहुत सोच समझ कर और उसकी योजना बनाकर आप लोगों को पूरा करना है। दोस्तों, जो काली की सिद्धि मैंने आप लोगों को बताई है, इसमें किसी भी प्रकार के रक्षा सूत्र की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देवी काली की सिद्धि है, देवी काली खुद ही स्वयं ही आपकी रक्षा करने के लिए आएंगी, और हो सकता है कि इसमें आपको प्रत्यक्षीकरण भी हो या अनुभव भी हो सकते हैं। देवी काली के बहुत ज़्यादा रूप होते हैं, अनेकों रूपों में देवी काली पूजी जाती हैं। ये तामसिक काली जी होती हैं, केवल आपको मिठाइयों का ही भोग इनको अर्पण करना है। जीवन भर आपको खुशहाल रखेंगी, हर जीवन में इच्छाएं आप लोगों की पूर्ण करेंगी, आप बहुत कुशल महसूस करेंगे अपने आप को इस सिद्धि को पूरा करने के बाद। आपको लगेगा कि कोई बड़ी शक्ति, कोई अलौकिक शक्ति आपके आसपास है, आपके पीछे है, जो कि जीवन भर आपका सपोर्ट करेगी, जीवन भर आपकी सुरक्षा करेगी, जीवन में हर जो खराब परिस्थिति आती है इसमें आप लोगों की रक्षा करेगी। दोस्तों, जय महाकाली। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।